यो मकली जो कब्रिस्तान है असा जो नालो वकास है नाम तो सुना ही होंगे। तो भाई यार हम आ गए हैं ये मकली के कब्रिस्तान के ऊपर। अभी जो है वो हम इंशाल्लाह ताला शटल सर्विस के इंतज़ार में हैं। ये शटल सर्विस वाला आ रहा है लेके, वो हजरत साहब को उसने कुछ टोपी करा दी है। अभी दूसरी गाड़ी आ रही है तो फिर दूसरी गाड़ी में शटल सर्विस में पूरे जो है वो सैर की रहेगी मकली के कब्रिस्तान की। यार ये शटल सर्विस में फोन कट गया, लेकिन ये जो है ना ड्राइवर साहब जो है वो पहले गायब हो चुके हैं। पहले भी हजरत साहब को टोपी करा दी थी ड्राइवर ने, अभी फिर जो है ना बिठा के गायब हो गया। अभी हमें लग रहा है कि ना थोड़ी देर बाद आगे कहेंगे यार टाइम पूरा हो गया बस आप चले हैं, पैसे दो और चलते बनो। स्टॉप के ऊपर मकली के कब्रिस्तान पे शटल सर्विस वालों ने बोला है कि भाई 15 मिनट से ज़्यादा जो है वो नहीं रुकना, और 15 मिनट का जो है वो टाइम है हमारे पास। अच्छा जी, तो यहाँ आए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं आपको। ऑलमोस्ट मोर देन 500,000 यानी 5 लाख से ज़्यादा टॉम्स कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, और ये 14th सेंचुरी के अंदर बना था, मीन्स 700 साल पुराना जो है ईसा खान का है। मुझे मालूम नहीं था, ये टूर गाइड जो है वो हमें गाइड करते रहते हैं और वो कहाँ कहाँ का है, लेकिन जो है वो देखने की चीज़ ये है कि ये किस ज़माने के और किस सदी के मकबरे बने हुए हैं, और इनके ऊपर जो नक्काशी हुई हुई है या जो फंकारी हुई हुई है वो आज के दौर में भी जो है अवेलेबल नहीं है। उस ज़माने में ना कोई मशीनरी थी ना कोई चीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद इतना मजबूत कह लें या इसको फैंसी कह लें और खूबसूरत कह लें, तो मैं नहीं समझ सकता कि यार कि किस तरीके से उस ज़माने के लोगों ने इसको बनाया होगा, और इसकी कारीगरी की जो है वो कोई हद नहीं है। मुझे बेखुद ये तूने
वाली चाशनी चखाई, किसी आरज़ू की दिल में, किसी आरज़ू की दिल में नहीं अब रही समाई। मुझे बेखुदी ये तूने जनाब, ये है शहर खामोशा मकली का, एक पुरसरार सी खामोशी है। बहुत पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही हैं।